नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BR एजुकेशन में। आज 13 सितंबर, तो 13 सितंबर के सभी शैक्षणिक समाचार हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन जरूर दबा लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। रेलवे की परीक्षा को लेकर तैयारी में जुटे युवा, पेंशन के लिए राहत भरी खबर, 31 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। देश भर में आज आयोजित होगी नीट की जो परीक्षा है, वो देश भर में आज आयोजित है वो की जाएगी। कोटा विश्वविद्यालय की परीक्षा का टाइम टेबल अब जारी कर दिया गया, 2 घंटे का होगा पेपर, 2 खंड करने हैं हल। केंद्र के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने तेज की कवायद, स्कूलों को खोलने की तैयारी। प्री वेटनरी टेस्ट 2020 का आयोजन 20 को होगा। विश्वविद्यालयों की होगी लेकिन प्रदेश में भर्ती परीक्षा स्थगित। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अक्टूबर में होने वाली परीक्षाएं हैं वो उनको स्थगित है, वो कर दिया गया है। ये मैंने वीडियो पहले ही डाल दिया था इनके बारे में, कौन कौन से एग्जाम की गई है। कोरोना संक्रमण न फैले इसलिए साक्षात्कार स्थगित किए, लेकिन परीक्षा में पॉजिटिव को भी न्योता दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 6,310 पदों पर भर्ती, डायरेक्ट इंटरव्यू से होगा चयन, राष्ट्रीय छवि जॉब अलर्ट। परीक्षा में फंसे स्टूडेंट, तिथि टकराने से परेशानी, सितंबर और अक्टूबर में कॉलेज समेत भर्ती परीक्षाओं की तिथि टकराई। वेतन कटौती आदेशों की होली जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकार द्वारा निकाली गई भर्तियों में SBC समाज को 5% आरक्षण नहीं दिया जा रहा, पायलट ने गहलोत को फिर याद दिलाया कांग्रेस का वादा। PTET परीक्षा 16 सितंबर को होगी। स्कूलों को खोलने की तैयारी, पुख्ता होगी व्यवस्था। सरकारी स्कूलों के निर्यालों को अब फिर मिलेगा बंद स्कूल अवधि का गेहूं चावल। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्थगित की अक्टूबर में होने वाली परीक्षाएं, आरयू जुटा कवायद में। मुख्यमंत्री को पत्र लिख सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की मांग की है। सरकारी स्कूलों में 15 तक मिलेगी निःशुल्क पुस्तकें। नीट परीक्षा आज, 1 लाख से अधिक विद्यार्थी देंगे परीक्षा। पुरस्कृत शिक्षकों की सूची एवं तिथि निश्चित करने की मांग। स्नातक अंतिम वर्ष के 60,000 विद्यार्थी देंगे 115 केंद्रों पर परीक्षा, पैटर्न और गाइडलाइन वेबसाइट पर अपलोड। 55 साल से ज्यादा उम्र के कार्मिकों को चुनाव ड्यूटी में रखा जाएगा बाहर, राज्य निर्वाचन आयोग। राजस्थान रत्न पुरस्कार के लिए आवेदन 23 तक होंगे। आज नीट का एग्जाम बदल गए, कुछ कैंडिडेट के सेंटर ऐसे करें डाउनलोड। 3 कॉलेजों ने निकाली सेकंड कट ऑफ लिस्ट, महाराजा कॉलेज में BSc बायो में जनरल को 88.60% पर एडमिशन मिला। मैथ्स ग्रुप की कट ऑफ 94.20% रही और BCA में जनरल की कट ऑफ 82% रही। रोजगार सहायकों को मिली उच्च न्यायालय से राहत, नियमित रोजगार सहायकों के समान न्यूनतम पे स्केल देने के आदेश। कोरोना काल में जागृति दिवस मनाने का फरमान, शिक्षक परेशान, कोरोना में भी स्कूलों में कार्यक्रम का फरमान। 17 सितंबर, 14 दिसंबर, 13 जनवरी को सामुदायिक जागृति दिवस कार्यक्रम तय। कार्यमुक्ति आदेश निरस्त करने व शिक्षक को यथास्थान रखने की मांग। NEP 2020 में भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलने की क्षमता, डॉक्टर संदीप संचेती, उच्च शिक्षा समर्थकों ने NEP को परिवर्तनकारी कदम बताया। उच्च शिक्षा फाइनल ईयर की परीक्षा 18 से ऑफलाइन मोड में होगी, परीक्षा नहीं दे सकने वाले स्टूडेंट के लिए विशेष परीक्षा होगी। लंबित भर्तियों में सरकार की सकारात्मक पहल से बेरोजगारों में हर्ष, और सुरक्षित निवेश के साथ पाए रिटर्न। नई शिक्षा नीति, 10,000 तकनीकी कॉलेजों के लिए वरदान। AICT कोचिंग क्लास बंद होने के बाद भी फीस क्यों नहीं लौटा रहे हाईकोर्ट, एक सफर है हिंदी चलते जाना। डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने का मौका है सभी के पास, आवेदन कर सकते हैं। परीक्षार्थियों को दिए जाएंगे बिस्किट, आज 15 लाख विद्यार्थी देंगे इम्तिहान। शिक्षक को PPT किट पहनना जरूरी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर करें आवेदन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान। लेबोरेटरी टेक्नीशियन सहित कई पद रिक्त, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान ऋषिकेश। साक्षात्कार से बने GDMO। JEE एडवांस परीक्षा की पात्रता के लिए कट ऑफ जारी, JEE एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, अंतिम तिथि 18 सितंबर। हां ना के बीच ऑनलाइन पढ़ाई,
450 करोड़ खर्च कर प्रदेश के स्कूलों की पोशाक बदलेगी सरकार। राज्य के सरकारी स्कूलों में 77 लाख छात्र छात्राओं की ड्रेस का बदलेगा रंग। मुफ्त सिलेंडर इसी माह। क्रेडिट गारंटी स्कीम में 4 साल के लिए ले बिजनेस लोन। आज की योजनाएं घोषणाएं। सक्षम महिलाएं, एकल महिलाओं को मिलेगा संबल। अव्यवस्थाओं में भविष्य के सपने बुन रहे ननिहाल। IBPS ने निकाली 1557 पदों के लिए भर्तियां। साक्षात्कार के दौरान रहें सावधान। इस साल सिर्फ 50.02 लाख लोगों को मिली नौकरी। मार्कशीट छात्रों के लिए प्रेशर सीट, माता पिता के लिए प्रेशर सीट PM। सरकारी स्कूलों को घरेलू श्रेणी का दर्जा, फिर भी अघरेलू दर से वसूल रहे बिल। विद्यार्थियों को मिलेगा 2 माह का राशन। आज के समाचार यही समाप्त है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।